फिजिक्स में 12th क्लास का जो लाइट चैप्टर है उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आज हम बात करेंगे जो प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ये मैंने बता दिए हैं अपनी पहली वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका? क्रांतिक कोण का। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण और किसके बारे में बात करेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम पहले क्रांतिक कोण की बात कर लेते हैं। अभी क्रांतिक कोण होता क्या है? क्रांतिक कोण होता है कि छोटी क्लासों में तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जब प्रकाश, जैसे मान ली तुम्हारे पास क्या है, ये विरल, ये तुम्हारे पास हो गया सघन माध्यम। क्या हो गया? सघन माध्यम। कितना हो गया? सघन माध्यम। और ये तुम्हारे पास क्या है? विरल। ये हो गया विरल माध्यम और ये क्या हो गया तुम्हारे पास? सघन माध्यम। सघन माध्यम। अब हम क्या करेंगे, जब कोई प्रकाश विरल से चलती है और कहाँ जाने के लिए आती है? सघन में। कहाँ जाने के लिए आती है? सघन में। लेकिन सघन में ना जाकर वो कितने डिग्री पे घूम जाती है? 90 डिग्री के कोण पे घूम जाती है। कितने डिग्री के कोण पे घूम जाती है? 90 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। ऐसे प्रकाश के अपवर्तन को हम कौन सा कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। यानी कि जब प्रकाश विरल से चली थी कहाँ जाने के लिए? सघन में। लेकिन सघन में जाते ही क्या होगी? 90 डिग्री के कोण पर घूम गई। किस पे? 90 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो सघन में विचलित ना होकर क्या होती है? 90 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं? क्रांतिक कोण। क्या कह देते हैं? क्रांतिक कोण। अब इसके डेरिवेटिव्स की बात कर लें क्रांतिक कोण की, तो स्नेल का नियम अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। स्नेल का नियम क्या होता है? और हाँ, क्रांतिक कोण को डिनोट किया जाता है किससे? सी से। क्रांतिक कोण को किससे डिनोट करेंगे? सी से। तो स्नेल का नियम जो होता है, ये तुम्हारे पास अपवर्तन कोण कितना है? आई है। और ये आपतन कोण कितना है? आई। और ये अपवर्तन कोण कितना है? आर। तो तुम्हारे पास आर दिख रहा है, कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या था? ये था एन इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हम ये देखें, हमारे पास जो एन है वो क्या है? अपवर्तनांक, यानी कि 1 to विरल, मतलब एक से दूसरे माध्यम में, एक से दूसरे माध्यम में। लेकिन जो क्रांतिक कोण है वो किधर हो रहा है? दूसरे माध्यम में हो रहा है। तो हम क्या लेंगे, यदि हमारे पास, यदि 2n1, कितना? 2n1। यानी कि हम देख रहे क्रांतिक कोण कितना हो रहा है, ये तुम्हारे पास हो रहा है सघन माध्यम में हो रहा है और ये कहाँ है? विरल। तो इसीलिए हम 2n कितना लेंगे? 1। 2n1 लेंगे तो हमारे पास जो है 2n1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये तुम्हें पता है कि आपतन कोण जो है वो आई है, वो किसके बराबर होगा? क्रांतिक कोण सी के बराबर। जबकि जो एंगल आर है वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो रख दो यहाँ जरा, 2n1 इजिकल टू साइन आई के जगह कितना रख दोगे? सी अपॉन आर के जगह कितना रख दोगे? साइन 90 डिग्री। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि 2n1 तो ऐसी रहेगा, साइन सी ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ दिखा दे रहा हूँ, साइन 90 डिग्री इजिकल टू कितना होता है? 1। तो देखो, जब 1 हुआ तो ये क्या हो सकता है तुम्हारे पास? अगर जब हम इसको 1, मतलब 1 से 2 करें, मतलब विरल से सघन करें, तो ये 1 एंड 2 हो तो जाएगा, लेकिन ये फिर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन सी। इसे ही क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। ये तुम्हारा क्रांतिक कोण हो गया और ये अपवर्तनांक, यानी क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध आ जाएगा, ठीक है। तो सी को क्या कहते हैं हम? क्रांतिक कोण। जहाँ जहाँ सी क्रांतिक कोण, सी क्या है तुम्हारा? क्रांतिक कोण, ठीक है। और एन तो तुम्हें पता ही है कि क्या है? अपवर्तनांक। तो इस तरीके से क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं, ठीक है।